थोड़ी देर तैरने के बाद हम बैठ रखे हैं यहाँ झरने के पास और पीछे से पानी आ रहा है और सब लोग नहा रहे हैं और ये तीनों ऊपर बैठ गए नहाने के बाद। वो गेम वाला है, हमें खड़ा खड़ा ही उल्लू बनाने लग गया। 10 गोली देने का था, 8 गोली दे रहा, बताओ। उसके बाद भी झूठ बोल रहा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। दिस इज योर यूट्यूब चैनल साइकिल राइडर डबराल जी एंड हियर इज हिमांशु डबराल। सो बेसिकली आज हम जाने वाले हैं सैन सहारा, जो अप्रॉक्स यहाँ से 25 किलोमीटर है मेरे घर से, और 8:30 बज चुके हैं राइड स्टार्ट करते हुए, और अभी हम पहुँच चुके हैं घंटा घर के पास। आज हमारे साथ कुछ साइकिलिस्ट भी आ रखे हैं जो बस भगाए जा रहे हैं। गाइस, हम सैन सहारा पहुंचने वाले हैं। यहाँ से थोड़ा सा रह चुका है और यहाँ आते आ तक कोई थकान हुई नहीं ज़्यादा, क्योंकि मैं मसूरी में भी राइड कर चुका हूँ तो आदत सी हो गई है। अगर आपने मेरा मसूरी वाला व्लॉग नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे डाल दूँगा, आप देख सकते हैं। और लुक एट दिस व्यू फ्रॉम हेयर ऑफ सैन सहारा, और यहाँ पर आगे राइडर्स चला रहे हैं। क्या मस्त पहाड़ है यहाँ के, एकदम गांव वाली फीलिंग आ रही है इन पहाड़ों को देख के। सो मिलते हैं गाइज आपको सैन सहारा में। गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं सैन सहारा और यहां पे थोड़ा ब्रेक लिया जा रहा है क्योंकि थकान हो चुकी है थोड़ी सी। और लुक एट दिस व्यू ऑफ सैन सहारा, यहां से पानी आ रहा है, लोग इंजॉय कर रहे हैं, फुल इंजॉयमेंट। और देखिए तो गाइज हम भी चलते हैं इसमें डुबकी लगाने और देखते हैं कितना गहरा है। स्विमिंग तो अभी तक आई नहीं है पर कोशिश अपनी पूरी करेंगे। तो गाइस थोड़ी देर तैरने के बाद हम बैठ रखे हैं यहाँ झरने के पास और पीछे से पानी आ रहा है और सब लोग नहा रहे हैं और ये तीनों ऊपर बैठ गए नहाने के बाद। ठंड लग रही है इनको, मेरे को भी लग रही है। तो आगे चलते हैं, आपको थोड़े सिनेमैटिक्स व्यू दिखाते हैं। ऑल सेट दोस्तों, वी आर रेडी टू गो। अब हम चलते हैं यहाँ से घर। इन्होंने कपड़े पहन लिए हैं, अब इस ब्यूटीफुल लोकेशन को बाय करते हुए, और लोग भी अब यहाँ ज़्यादा आ चुके हैं। और आपको सैन सहारा आना है तो आपको आना ही चाहिए क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है, और मैंने भी थोड़ी स्विमिंग की है तो मैं भी थोड़ी स्विमिंग सीख गया हूँ। सो चलते हैं यहाँ से अब घर की तरफ। पीछे हम गेम खेल रहे थे और वो गेम वाला है, हमें खड़ा खड़ा ही उल्लू बनाने लग गया। 10 गोली देने का था, 8 गोली दे रहा, बताओ। उसके बाद भी झूठ बोल रहा। बहुत अच्छा, मैंने वीडियो बना ली थी तो हमने उसको पकड़ लिया। तो भाई ऐसे लोगों से बच के रहे और ये गेम्स ना ही खेले आप, वो तो फायदा नहीं है कोई खेलने का। सो गाइस हम घर पहुंचने वाले हैं और मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। इफ यू लाइक दिस ब्लॉग तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। इसके लिए धन्यवाद।